रेवाड़ी के धावड़ा औद्योगिक कस्बा में आज शाम दर्दनाक बड़ा हादसा हो गया, जिस हादसे में करीबन 40 कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 2 दर्जन भर घायल रेवाड़ी ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराए गए हैं। घायलों में कुछ की हालत नाजुक है, जिन्हें रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक धावड़ा औद्योगिक कस्बा की मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनी लॉन्ग लाइफ में आज शाम अचानक बॉयलर फट गया। जैसे ही बॉयलर फटा, कंपनी में जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। आग लगने से कंपनी में काम कर रहे कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गए, जिसके बाद तुरंत प्रशासन को सूचना दी गई। दमकल विभाग सहित एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, वहीं निजी वाहन और एम्बुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रेवाड़ी के सिविल सर्जन ने बताया कि इस हादसे में करीबन 40 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 दर्जन भर घायलों को रेवाड़ी ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। कुछ घायलों को अलग अलग प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में से 2-3 लोगों की हालत नाजुक है, जिन्हें रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। घायलों के उपचार के लिए सर्जन, मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल स्टाफ को लगाया हुआ है, साथ ही प्राइवेट डॉक्टर को भी अलर्ट किया गया है। बॉयलर कैसे फटा, हादसे की असल वजह क्या रही, किसकी लापरवाही से ये हादसा हुआ, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। घायल कर्मचारियों के परिजनों का कहना है कि कंपनी की लापरवाही से ये हादसा हुआ है। ये धारोड़ा में एक जो है ना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें किसी फैक्ट्री में कोई बॉयलर जो है फट गया है, जिसमें काफ़ी बर्न इंजरीज है। और पता लगते ही इमीडिएट हमने एम्बुलेंस यहाँ से जो 10 वहाँ भेज दी गई थी। वहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है, वहाँ उन्होंने कहा कि अभी स्टेबल है जी, रेफ़र करने की जरूरत नहीं, अभी एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उनको बता दिया जब भी कोई जरूरत हो पता। यहाँ रेवाड़ी में भी IMA को हमने अलर्ट कर दिया, सभी हॉस्पिटल को अलर्ट कर दिया है कि इस तरह का पेशेंट जो डायरेक्ट वहाँ जाता है तो उसका अच्छे से केयर किया जाए। हमारे यहाँ अभी 23 पेशेंट एडमिट है, सभी स्टेबल है। हमारी दोनों सर्जन भी, सारी टीम के साथ लगी हुई है, उनको सारी केयर दी जा रही है। एक पेशेंट हम सीरियस था, जो हम रोहतक रेफ़र कर चुके हैं। अभी 2 पेशेंट और एम्बुलेंस में शिफ्ट करेंगे, और जब तक ये सारा अच्छे से मैनेज नहीं हो जाता है, हमारी टीम यहाँ काम करती रहेगी। टोटल और देखो एब्सोल्यूट नंबर तो अभी कई प्राइवेट में सीधे गए मैं नहीं कह सकता, लगभग 40 के आसपास मुझे एस्टिमेट है कि इस हादसे में इंजर्ड हुए हैं। टोटल प्राइवेट नहीं, अभी तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। एक सीरियस पेशेंट था जो हमारे यहाँ आया था, हमने उनको रेफर कर दिया PGI में, अभी वो एडमिट हो गया, स्टेबल है वहाँ। ठीक, थैंक यू।